स्टूडेंट आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जो कि ठेर सिबीगंज बरेली में। देखिए यहाँ पर आपके लिए जो एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है 8.1। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ सवाल करवाए हैं और इस वीडियो में आपके अधिकतर सवाल होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को कर रहे हैं और 8.1 में आज हम आपके लिए कराएंगे चौथा प्रश्न। तो देखिए चौथा प्रश्न है, तो चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न यह है, लिखा है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है और इसके लिए एक त्रिभुज बनाया गया है। ये त्रिभुज है इसका पी क्यू आर, ये त्रिभुज है। इसमें 12 सेंटीमीटर ये है, 13 सेंटीमीटर ये है और ये है 5 सेंटीमीटर। यहां पर निकालना पड़ेगा इसको, इसको नहीं दिया गया है, ये हटा दिया गया है, यानी ये नहीं दिया गया चित्र में, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, है ना, इसको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहां पर ये QR निकालना पड़ेगा। तो QR के लिए क्या करेंगे, पायथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पायथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो लिखेंगे हम पायथागोरस प्रमेय से, पायथागोरस प्रमेय से, पायथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। तो यहां पर हम QR को निकालेंगे, यानी इसका आधार निकालेंगे, आधार। तो आधार बराबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है, ये होता कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो स्क्वायर रूट के अंदर कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग माइनस लंब कितना है 12, तो 12 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपके लिए 13 का वर्ग 169 और माइनस 12 का वर्ग 144। ये घट जाएगा, 169 में से 144 घटा देंगे तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25 बचा, है ना, एक में से एक चला जाएगा 0 तो 25 बचा हमारे पास। तो रूट के अंदर आ गया 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, कितना होता है 5, यानी यहां पर आधार आ गया 5। आधार कितना आ गया QR 5। अब मैं 10p और cot r की मान निकालूंगा, तो 10p बराबर होता है, यानी p का अगर एंगल लेंगे ये वाला, तो इस हिसाब से यहां पर 10p के लिए निकालेंगे लंब बटे आधार, होता है लंब बटे आधार, ठीक है भाई। तो लंब कितना है इसका, तो 12 है और कर्ण कितना है 13 है, ठीक है, 12/13। इसी तरीके से यहां पर 12/13 हो गया 10θ, वैसे लंब बटे आधार होता है, इस हिसाब से चित्र में देखेंगे तो लंब बटे आधार ये हो जाएगा हमारा, है ना, 12 और बटे में 13, लंब बटे आधार ये वाला होगा, 5 होगा बेटा यहां पर, 5 12/5, है ना, ये हो गया। और इसी तरीके से मैं अगर cot r को निकालूंगा, यानी cot r, r को एंगल मानते हुए, इस r को एंगल मानते हुए, इस r को एंगल मानते हुए निकालूंगा तो भी आपके लिए आएगा 12/5, तब भी आएगा 12/5, है ना, क्योंकि एंगल r से ले रहे हैं, r से लेंगे तो यहां पर इसके लिए लंब यही होगा और आधार भी 5 यही होगा, है ना, कर्ण उतना ही रहेगा। तो इस हिसाब से cot r भी 12/5 हो गया। तो 10p माइनस cot r बराबर हो जाएगा 12/5 और माइनस 12/5 आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा यहां पर आंसर आपका, इसका मान जो हो जाएगा 10p माइनस cot r 0 हो जाएगा,
ठीक है। अब हम बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। देखिए यहां पर हमने आपको ये बता दिया कि अगर हमारे पास टेन आर टेन पी निकालना था तो टेन पी के लिए निकाल लिया। अब हमें कॉट आर निकालना है तो लंब बटे आधार 12 बटे 5 हो गया और दोनों को हमने घटा दिया तो यहां पर आपके लिए जीरो आ गया। अब हम क्या करेंगे पांच के लिए, अब हम यहां पर सवाल को सॉल्व करेंगे। लिखा है यदि साइन पी बराबर दिया गया है 3/4 है ना, और आपसे यहां पर पूछा गया है कॉस पी और टेन पी ये पूछा गया है तो इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले साइन पी का हम यहां पर बना लेते हैं। साइन थीटा बराबर कितना होता है तो हम बता देते हैं आपके लिए लंब बटे में कर्ण है ना, लंब बटे में कर्ण होता है तो लंब का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 4 तो आधार निकालना पड़ेगा हमें है ना। तो इस हिसाब से यहां पर थीटा की जगह पी लिखूंगा क्योंकि पी कोण चल रहा है तो इस तरीके से यहां पर ये हो गया है ना, त्रिभुज है तो हमें क्या करना पड़ेगा आधार निकालना पड़ेगा, आधार नहीं दिया है, आधार निकालना पड़ेगा आधार नहीं दिया है तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो आधार बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से रूट के अंदर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग है ना, ये होता है तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण कितना है हमारे पास 4 तो 4 का वर्ग माइनस लंब का है कितना है लंब 3 है 3 का वर्ग हो गया तो यहां पर हो गया आपके लिए 4 × 16 और 3 × 3 = 9 तो 16 - 9 है ना, 16 में से 9 गया 7 बचा यानी रूट के अंदर 7 आ गया हमारा। ठीक है भाई, हमारे पास साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता था, लंब का मान 3 था, कर्ण का मान 4 था, आधार निकाल लिया कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग तो 4 × 16 3 × 3 = 9 16 में से 9 गया 7 ये आ गया √7 यानी आधार आ गया हमारा √7। ठीक है भाई, आधार आ गया √7। अब क्या करेंगे, अब हम इनकी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। हमारे पास वैल्यू पूछे कॉस पी तो कॉस पी यानी कॉस आधार बटे कर्ण, क्या लिखोगे आधार बटे कर्ण आधार का मान कितना है 7 है √7 और कर्ण का मान कितना है 4 तो √7/4 ये हमारा एक आंसर हो जाएगा है ना। इस तरीके से हम दूसरा निकलेंगे टेन पी तो टेन पी बराबर निकालेंगे लंब बटे में आधार तो लंब का मान कितना है 3 है और आधार का मान कितना है 7 है रूट के अंदर तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान लंब बटे आधार तो यहां पर कॉस थीटा और यहां पर टेन थीटा दोनों ही आ चुके हैं। अब हम आपके लिए प्रश्न कराएंगे, प्रश्न है छठा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न को अब हम कराएंगे। देखिए बच्चों अब हम आपके लिए करा रहे हैं यहां पर छठा प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न क्या है तो छठा प्रश्न यह है कि यदि दिया गया है 15 cot A = 8 दिया गया है, यह दिया गया है आपसे पूछ रहा है कि साइन ए और कॉस साइन ए और सेक ए के मान की गणना कीजिए, यह आपको निकालने हैं। ठीक है ना, साइन ए और सेक ए तो सबसे पहले यहां पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, कॉट ए बराबर लिख लूंगा मैं, कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15 है ना, कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। तो आप बताइए कॉट है ये और कॉट ए का अगर जब हम उल्टा कर देंगे यानी हम लिख देंगे इसको 1/cot A यानी कॉट ए का जब हम उल्टा कर देंगे 1/cot A लिख देंगे तो ये हो जाएगा बराबर में 15/8 और 1/cot A होता है 10A, कितना होता है भाई 10A तो हो जाएगा 15/8 हो जाएगा यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार होता है तो हम इसका चित्र बना लेते हैं। राइट एंगल, लंब का मान है 15 और आधार का मान है 8 ये है। अब हमें आपके लिए कर्ण निकालना पड़ेगा तो कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है तो ये होता है बच्चों आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है भाई ये हो गया
तो इस तरीके से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं रूट के अंदर आधार कितना है, 8 है, 8 का वर्ग प्लस लंब कितना है 15, 15 का वर्ग, तो 8 का वर्ग 64 हो गया प्लस 15 का वर्ग 225 हो गया, 225 और 64 जोड़ लेंगे, ये जो जोड़ लेंगे 5, 4, 9, 6, 2, 8, ये 289, 289 आ गया, 289, और 289 यानी 289 का वर्गमूल होता है आपके लिए 17, कितना होता है 17 होता है, इस हिसाब से इसका जो कर्ण आ गया वो 17 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम यहां पर मान निकाल सकते हैं, हमें निकालना है साइन ए, तो साइन ए, ए का मान साइन ए माने होता है, अब यहां पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है यहां पर 15 है और कर्ण कितना है यहां पर 17 है, तो 15/17 इसका आंसर हो जाएगा, एक आंसर आपके लिए आ गया। अब दूसरा निकालेंगे sec a, तो sec a यहां पर निकालना है, sec a निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, cos थीटा याद करिए, cos का उल्टा sec होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और इसका मैं उल्टा करूंगा तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण है 17 और आधार है आपके लिए 8, तो 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर हमारा ये प्रश्न जो है वो छठा प्रश्न पूरा हो गया है। अब हम आप पर बढ़ते हैं 17वें प्रश्न के लिए, मतलब यहां पर 7वां प्रश्न होगा आपके लिए 6 के बाद, ठीक है ना, तो 7वां प्रश्न हम कराते हैं, इसके लिए 7वां प्रश्न देखिए ध्यान से, 7वां प्रश्न दिया गया है sec a बराबर, sec a बराबर 13/12, यह दिया गया sec a बराबर 13/12, और हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो sec थीटा बराबर क्या होता है, तो मैंने अभी लिखा sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है भाई, sec थीटा, sec a बराबर कर्ण बटे आधार, अब कर्ण कितना हो जाएगा, इस हिसाब से कर्ण हो जाएगा आपके लिए 13 और आधार हो जाएगा आपके लिए 12, तो हमें लंब निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो लंब का मान निकालेंगे आप, लंब बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, माइनस आधार का वर्ग, तो कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण है 13 का वर्ग माइनस लंब है यहां पर, आधार है कितना 12, तो 12 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 13 × 3 = 169 और माइनस 12 × 12 = 144, तो 169 में से 44 घटा देंगे, 144 घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25 आ गया, यानी रूट के अंदर आ गया 25, और 25 का वर्गमूल जो होता है वो होता है आपके लिए 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, ठीक है ना, तो यहां पर हमारा लंब जो आ गया वो 5 सेंटीमीटर आ गया। अगर लंब आ गया 5 सेंटीमीटर तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं निकालता हूं sec, तो दिया गया हमें साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है, तो 5/13 एक आ जाएगा, cos थीटा निकालेंगे आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना है हमारा, आधार है 12 और कर्ण है 13, तो 12/13 हो जाएगा। इसी तरीके से निकालेंगे tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है 5 है और आधार कितना है यहां पर 13 है, मतलब 12 है यहां पर, आधार कितना है 12 है, तो यहां हो जाएगा। इसी तरीके से मैं निकालूंगा cot थीटा, cot थीटा हो जाएगा आधार बटे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा, तो आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, 12/5, अब आ जाएगा आपके लिए sec थीटा, तो sec थीटा बराबर होता है आपके लिए जो कि यहां पर दिया भी गया है कर्ण बटे आधार, यानी 13/12, 13/12 हो जाएगा, ये तो आपके लिए दिया ही था। इसके बाद हम निकाल लेंगे cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है साइन का, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान कितना है यहां पर, कर्ण का मान है 13, लंब का मान कितना है 5,
यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने आपके लिए निकाल दिए, छह के छह त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये प्रश्न खत्म होता है। और अब हम जो प्रश्न करेंगे वो करेंगे यहाँ पर आठवां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आठवां प्रश्न करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आपके लिए प्रश्न करा रहे हैं, प्रश्न नंबर है आठ। देखिए आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में एंगल ए तथा बी, एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण दिए गए, एंगल ए तथा बी न्यून कोण है, तो दिखाइए जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो आपको दिखाना है, यानी टू शो दैट, दिखाइए कि क्या दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा अगर कॉस ए बराबर कॉस बी है। अगर कॉस ए बराबर कॉस बी है तो एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, हमें इसको दिखाना पड़ेगा। तो ए एंगल ए तथा बी न्यून कोण है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कॉस ए, ए लिखा है तो 90 डिग्री लिखूंगा मैं, देखो ऐसे करके साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान एंगल ए, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। फिर लिखूंगा इधर भी साइन बी है तो यहां पर लिखूंगा 90 माइनस बी एंगल बी। तो जब साइन थीटा, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बराबर होते हैं तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी 90 डिग्री माइनस एंगल ए बराबर में 90 डिग्री माइनस एंगल बी। तो 90 डिग्री इधर ले आएंगे, ये इससे कट जाएगा, बराबर में यहां पर ऐसा लिख लो माइनस का एंगल ए बराबर में माइनस का एंगल बी, 90 डिग्री से 90 डिग्री कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो माइनस एंगल ए बराबर माइनस का एंगल बी, माइनस से माइनस कैंसिल, एंगल ए बराबर एंगल बी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, है ना। तो इस तरीके से यहां पर ये इसको लिख सकते हैं कि अगर कॉस ए बराबर कॉस बी होगा तो यहां पर एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, है ना। तो एंगल ए बराबर एंगल बी हम इसको दर्शा सकते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर नवा प्रश्न कुछ वैसा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो सुनिए, सबसे पहले यहां पर जो नवा प्रश्न है वो क्या बता रहा है, पहले पार्ट में क्या बता रहा है, कह रहा है टेन ए का मान, ध्यान से सुनना, टेन ए का मान, ये प्रश्न है, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, सदैव एक से कम होता है, ये बताया गया है। भाई मेरे एक से कम कैसे होता है, टेन 45 का मान एक होता है, तो यानी एक से कम कहां हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए जो 9 स्टेटमेंट है वो यहां पर असत्य हो जाएगा, पहले वाले का असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ये कम नहीं होता है, यानी टेन 45 का मान अगर बात करें तो ये 1 होता है, 1, तो 1 से कम कहां है, यहां पर 1 क्या कम है, 1 से नहीं कम है ना, तो इसका मतलब ये असत्य हो गया स्टेटमेंट, है ना। तो इस तरीके से यहां पर बहुत सारे स्टेटमेंट है, मैंने 5 स्टेटमेंट है जिनको आप कर सकते हो, सत्य असत्य की जानकारी ले सकते हो, सत्य असत्य होगा या नहीं होगा इस बात को बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हम जो प्रश्न ले रहे हैं वो अब हम ले रहे हैं 10वां प्रश्न, ये अपने आप बच्चों कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, और सत्य असत्य को बताना है, कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करना है, है ना, तो कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम 10वां प्रश्न आपके लिए फिलहाल बता रहे हैं, अब 10वां प्रश्न, तो 10वां प्रश्न हम आपको बताते हैं। देखिए 10वां प्रश्न दिया गया है, थ्री कॉट ए बराबर 4, तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए का मान बताइए, मान बताइए, ठीक है भाई, कॉस ए का मान बताना है। तो यहां पर 3 cot A = 4 दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूं cot A = 4/3, cot A बराबर लिख सकता हूं 4/3, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है, मैं बताता हूं आपके लिए cot थीटा बराबर क्या होता है। देखिए tan थीटा बराबर जब होता है लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार होता है, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, cot में हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, तो कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण बराबर होता है रूट के अंदर आधार का वर्ग
प्लस लंब का वर्ग, तो इस हिसाब से हो गया चार का वर्ग प्लस तीन का वर्ग, चार चक्के 16 प्लस तीन तिया 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो यानी इसमें जो है आपके लिए क्या हो गया 5 इसका हो गया कर्ण, है ना, कर्ण हो गया इसका 5। तो हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5, तो कॉस थीटा का मान आ गया 4/5। तो यही हमारा प्रश्न हो गया है, और इस तरीके से यहाँ पर और भी प्रश्न है जो कि इस एक्सरसाइज में है वो कराएंगे आपको अगली वीडियो में, हम मिलेंगे तब तक यहाँ पर इतने ही प्रश्न आपके लिए करा रहे हैं, उससे अगली नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो कुछ अगले प्रश्नों को करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं आपके लिए, और इसी तरीके से लगातार आप वीडियो देख रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप इसी तरीके से हमारे सिलेबस को पढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।